गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स एज़ यू नो आवर चैप्टर ट्वेल्थ साउंड इज़ गोइंग ऑन आपको पता है हमने इससे पहले लाइट थंडर एंड रेन चैप्टर कंप्लीट किया है अब हमारा चैप्टर साउंड चल रहा है जैसे कि मैंने बताया था मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम इसका हमारा रिटर्न वर्क इनकम्प्लीट है एक्सप्लेनेशन हो चुकी है तो मैं उसी के बेसिस पे आपको इसका रिटर्न वर्क कम्प्लीट करा रही हूँ फ्रॉम द लास्ट वन और टू डेज़ इन द लास्ट क्लास मैंने आपको उसका बुक वर्क कम्प्लीट करा दिया था की भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे नोटबुक में बस जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रहता है वो है हमारे वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम जितने भी वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग हैं हम वो सब इस पी की हेल्प से ही करेंगे ठीक है हम कोई बुक में मार्क नहीं करेंगे उससे आपको मिस्टेक्स हो जाती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं इसलिए जो भी हम करेंगे उस पी की हेल्प से ही करेंगे मैं आपको ये वीडियो भी सेंड करूँगी और साथ में इसकी पी भी सेंड करूँगी सो माई डियर स्टूडेंट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन ठीक है आपकी फ़र्स्ट जो वीडियो आती है फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है कि नोइस पॉल्यूशन क्या होता है ओके okay? द क्वेश्चन इज वॉट इज नॉइज पॉल्यूशन तो बेटा इसका आंसर हम इस नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे द प्रजेंस ऑफ लाउड अनवॉन्टिड तो बेटा क्या रहेगा इसका आंसर द प्रजेंस ऑफ लाउड अनवॉन्टेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर इन्वायरमेंट ठीक है क्वेश्चन है वॉट इज नॉइज पॉल्यूशन आंसर है द प्रजेंस ऑफ लाउड अन एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन इसमें आगे ये नहीं लिखा हुआ है इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन जो आपको खुद से लिखना है ठीक है मैंने बाकी सब मेंशन कर दिया है बस आपको खुद से इसमें लिखना है इज़ कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन ओके क्लियर है दिस इज योर आंसर फर्स्ट ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन फ्रीक्वेंसी व्हाट इज इट्स यूनिट्स कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है तो बेटा देखिए फ्रीकेंसी की क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकोरेंसेज ठीक है ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम ठीक है फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं हर्ज में मेज़र करते हैं और हर्ज इक्वल कि होता है पर सेकंड के और फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम कि एक टाइम में या एक सेकंड में वन सेकंड में और वन मिनट में एक जो भी आपका मटेरियल है या सब सबस्ट्रेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है जो प्रोसेस है जो इवेंट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है पर सेकंड और पर मिनट इवेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है यही आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी को हम हर्ज में मेजर करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू ही हैं इस चैप्टर में नाउ अवर शॉर्ट क्वेश्चन आर चलिए अब हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इन वट डिफरेंट वेज कैन साउंड बी प्रोड्यूस्ड कि साउंड को हम कितने तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है हम साउंड्स को कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं देयर आर सो मैनी वेज टू प्रोड्यूस साउंड ओके तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ये आपका आंसर नंबर थर्ड चलिए मैं ना लिखती जाऊंगी जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो ओके दिस इज़ द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर वन दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर टू ठीक है ये टू है बेटा एंड द एट द बॉटम दिस वन इज वेरी शॉर्ट सॉरी शोर्ट थ्री ये शॉर्ट का थ्री क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है ठीक तो है तो हमारा क्वेश्चन है इन वॉट वेज साउंड कैन बी प्रोड्यूज तो हम साउंड कैसे साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आइए देखते हैं वैन द स्ट्रेच स्ट्रिंग आर प्लग और बोर्ड द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड ओके जब भी हम किसी स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब किसी तार या वायर को क्या करते हैं प्लग करते हैं और छोड़ देते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनमें वाइब्रेशन होती है एयर की तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है वैन वी ब्लो एयर इन डैम

ठीक है ये हमारा कौन सा था बेटा शॉर्ट का फर्स्ट नोट शॉर्ट का थर्ड ये हमारा वेरी शॉर्ट का टू है जो इससे पहले गया है वो वेरी शॉर्ट का वन है क्लियर है इसके बाद जो आएगा वो हमारा शॉर्ट का टू रहेगा तो चलिए देखते हैं अब हम शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा टू सेकेंड क्वेश्चन क्या है वैन आर बी फ्लाइज वी हीयर द साउंड जब एक मधुमक्खी उड़ती है तो हमें उसके ंग्स उसके पंख के फड़फड़ाने के बाद आती है लेकिन जब एक क्रो एक कौवा उड़ता है तो हमें उसके उड़ने की आवाज नहीं आती ऐसा क्यों तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा जस्ट वेट ये द आंसर फर्स्टली आई मैंशन दैट दिस इज शॉर्ट टू ठीक है ये शॉर्टकट टू है द विंग्स ऑफ अभी ये ओ ओफेबिटा द विंग्स ऑफ अभी फ्लैप वेरी रेपिडली एंड एज इट फ्लाइज नियर अस वी कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस बाई इट जो मधुमक्खी के पंख होते हैं वो उसको बहुत जल्दी जल्दी फ्लैप करती है तो जब वो इसलिए वो हमारे पास उड़ती है तो हम उसे सुन सकते हैं लेकिन जो क्रो होता है जो कौआ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में और वो अपने जो विंग्स होते हैं उनको इतनी जल्दी फ्लैप नहीं करता तो इसीलिए हम उसके उड़ने की जो आवाज़ है उसको सुन नहीं सकते ठीक है क्योंकि जो बी है वो अपने विंग्स को बहुत रैपिडली फ्लैप करती है उड़ते वक्त लेकिन क्रो अपने विंग्स को इतनी रैपिडली फ्लैप नहीं करता ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ वायलिन इज़ ऑलवेज स्टोर्ड विद इट्स स्ट्रिंग ठीक है A violin is always stored with its string loosened to prevent them from snapping. Okay, when it is being strings are tightly tightened gradually. What effects does this have on the pitch of note produced? So this is the short three. Let find us this, this answer. Yeah, this one. This is the. शोर्ट ओहो दिस इज द शॉर्ट थ्री ओके तो इसका आंसर क्या है वैन ट्यूनिंग अ वायलिन ओके वैन ट्यूनिंग अ वायलिन अ स्ट्रिंग इज टाइटन विच मीन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज शोटन जब हम वायलिन को बजाते हैं तो उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको टाइट करते हैं टाइट करने का मतलब क्या है कि उसके जो स्ट्रिंग्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे वेन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज इट विट विदिफरेंट फ्रिक्वेंसी जब उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी तो वो अलग फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा शोर्टर स्ट्रिंग्स हैव हायर फ्रिक्वेंसी एंड डेयर फॉर हायर पिच वैन अ म्यूजिशियन प्रेस इज हिज फिंगर ऑन अ स्टरिंग ही शोट इट्स लेंथ ओके द मोर फिंगर ही एड्स टू द स्टरिंग द शोटर ही मेक्स इट एंड द हायर द पिच विल बी दैट इज हायर फ्रिक्वेंसी ओके okay, ये था आपका शॉर्ट का थर्ड क्वेश्चन नाउ द सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इज वाई डज अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड जो एक वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम होता है वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं करता क्या रीज़न है जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा क्यों होता है तो चलिए अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं दिस इज द शॉर्ट फोर्थ क्वेश्चन ओके तो चलिए शॉर्ट का फोर्थ देख लेते हैं हम शॉर्ट का फोर्थ शॉर्ट का फोर्थ ये दिस इज देंडुल्स आंसर द शॉर्ट का फो शॉर्ट फो ओके सो द आंसर वुड बी द फ्रीकेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाई अ पेंडिलम डज नॉट फॉल अंडर ह्यूमन ईयर्स ऑडिबल रेंज सो वी डोंट हीयर द साउंड प्रोड्यूज ड्यू टू दिस वाइब्रेशन ठीक है जो पेंडुलम की ऑडिबल रेंज है वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज से बहुत क्या होती है बेटा कम होती है उसके ऑडिबल रेंज में नहीं आती तो इसलिए हम उसको नहीं सुन सकते वो एक इंफ्रासोनिक साउंड है और ह्यूमंस इंफ्रासोनिक साउंड्स को नहीं सुन सकते तो ये था आपका शॉर्ट का फोर्थ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ प्लगड स्ट्रिंग चलिए इसका आंसर देखते हैं शॉर्ट के फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा शॉर्ट फिफ्थ द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग अगेन चेक द क्वेश्चन What फैक्टर्स हमें यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं कि एक प्लक स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्या किस फैक्टर पर वो बेस्ड होता है तो इसका क्या रहेगा द फ्रीक्वेंसी सॉरी द फोर इस फोर properties होती हैं किसी भी स्ट्रिंग की जब भी वो वाइब्रेट करेगा तो वो फोर प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी उसकी Length, diameter, tension, and density. This question is question number fifth. Okay, this is the question number fifth. This is short fifth. This is short four. Okay, the four properties of a string that affect its frequency. आर लेंथ डायमीटर टेंशन एंड डेंसिटी जो फोर प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रिंग की जो उसे अफेक्ट करती हैं वो क्या होती हैं लेंथ होती है डायमीटर होती है टेंशन होती है उसकी डेंसिटी होती है डीज प्रॉपर्टीज़ आर डिस्क्राइब्ड बिलो वेन लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज चेंज इट विल वाइब्रेट विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी शॉर्टर टाइम सॉरी शॉर्टर स्ट्रिंग हैव हायर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर हायर पिच ये आपका हो जाता है शॉर्ट का फिफ्थ क्वेश्चन नाउ शॉर्ट सिक्स्थ सिक्स क्या कहता है मैं वट फैक्टर्स डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ़ एयर कॉलम क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको डिसाइड करते हैं दिस इज द क्वेश्चन नंबर सम फैक्टर्स विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एयर कॉलम्स आर गिवन एज दिस इज़ शोर्ट सिक्स ठीक है तो वो फैक्टर्स क्या होंगे जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे दिज आर लेंथ ऑफ एयर कॉलम की जो लेंथ है एयर कॉलम की वो कितनी बड़ी है लॉन्गर वन प्रोड्यूस श्रिल साउंड द नेक्स्ट फैक्टर वुड बी द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोट्स कि उसमें कितने नोट्स होंगे और कितने एंटी नोट्स होंगे एंड द लास्ट वन इज द रेजोनेस फ्रीकुनसी कि उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी होती है ओके okay, क्लियर है तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम डिपेंड करता है ओके नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इफ यू शाउट ऑन द मून विल द साउंड ट्रेवल फास्टर और स्लोवन देन ऑन द अर्थ अगर आप चाँद पे जाके चिल्लाते हो इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो अगर आप चांद पे जाके चिल्लाते हो तो जो आपकी आवाज है वो तेज होगी या स्लो मतलब फास्ट होगी या स्लो होगी बहुत तेज होगी या बहुत हल्की होगी अगर हम कंपेयर करें अर्थ से तो आपको बताना है कि तेज होगी या हल्की होगी और साथ में रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दिस इज द सेवंथ क्वेश्चन तो ये रहा हमारा आंसर लेट मी फर्स्ट मैंशन द क्वेश्चन आंसर नंबर ओके दिस इज द सेवंथ अब देखते हैं एज अर्थ हैव मीडियम सो साउंड विल ट्रेवल फास्टर ऑन अर्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा साउंड को ट्रेवल होने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट एनी मीडियम साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती हमारे प्लेनेट अर्थ पे एयर एक मीडियम है जिसमें साउंड के पार्टिकल्स मूव करते हैं और जो एयर है वो एज अ मीडियम एक्ट करती है बट मून पे कोई भी एटमोसफेयर नहीं है तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगी और करेगी भी तो बहुत स्लो स्पीड से करेगी सो तो अवर आंसर वुड बी एज अर्थ हैव मीडियम सो साउंड ट्रेवल फास्टर ऑन अर्थ मून हैज़ नो एटमोसफेयर और वेरी लाइट एटमोस्फेयर सो साउंड नोट ट्रेवल देयर दिस ऑल हैपन्स बिकॉज साउंड नीड्स मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल ओके तो यह आपका किसका आंसर हो गया बेटा शॉर्ट का सेवन एंड दिस वन इज शॉर्ट सिक्स सो डोंट बी कन्फ्यूज इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके बट कोई गलत नहीं करेगा तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्वेश्चन नंबर एट हाउ कैन यू राइज द पिच ऑफ द नोड ऑफ अ सर्टेन वीना स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग द लेंथ हम किसी भी वीना स्ट्रिंग के वीना स्ट्रिंग की पिच को कैसे चेंज कर सकते हैं बिना उसके स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज किए हुए हमेशा अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करते हैं तो पिच चेंज हो जाती है फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है बट यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि बिना लेंथ को चेंज किए हम उसकी पिच को कैसे बढ़ा सकते हैं तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा लेट फाइंड आउट द आंसर एट यस हेयर इज द आंसर एंड द आंसर इज ऑफ शॉर्ट एट इट इज ऑफ शॉर्ट सेवन ठीक है वेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वी the द पिच also increases इंक्रीज pitch पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन of vibration तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उसके जो स्ट्रिंग्स हैं जो तार हैं जो वायर्स हैं उनकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए और फिर भी हम उसकी पिच बढ़ानी है तो पिच बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम उसकी फ्रीकवेंसी को बढ़ा देंगे क्योंकि फ्रीकवेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच जैसे जैसे फ्रीकवेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी और वैसे वैसे उसकी पिच इंक्रीज़ When you increase the frequency of vibration in a string instrument like Vena, the pitch will also increases correspondingly, pitch of a sound depends on the frequency of vibration. Okay. Next question is short ninth question. Short ninth. The last question of shorts. You can hear the sound of an approaching train. लॉन्ग बिफोर यू सी इट by प्लेसिंग योर ईयर ऑन द ट्रैक वाई हम एक ट्रेन को बहुत दूर से सुन सकते हैं बिना उसको देखे और कैसे सुन सकते हैं अगर हम उसके रेलवे ट्रैक पे अपने कान लगाते हैं तो हमें वो उसके पता लग जाता है कि वो कितनी दूर है ऐसे कैसे हाउ इज़ इट पॉसिबल चलिए देखते हैं इसका क्या रहेगा हमें कैसे पता लग जाता है तो चलिए इसका आंसर हमें मिल गया है इसका आंसर ये रहा शोट का नाइन बिकॉज स्पीड ऑफ़ साउंड इज़ मोर इन सॉलिड अगर आपने पढ़ा होगा तो जो साउंड की स्पीड है वो ये बात फॉलो करती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में दैन लिक्विड एंड देन एयर सबसे जल्दी जो साउंड आपकी क्या होती है पास होती है जो ट्रेवल होती है वो किस में होती है सॉलिड में होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है इसलिए अगर हम रेलवे ट्रैक पर कान लगा के सुनते हैं तो आवाज़ हम तक जल्दी पहुँच जाती है बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन सॉलिड्स दैन इन गैशियस देयर फॉर रेलवे ट्रैक बिंग सॉलिड प्रोपर गेट्स साउंड अर्लियर देन इन गैशियस एयर ओके सो ये है आपका कौन सा आंसर शॉर्ट का नाइंथ आंसर सो माई डियर स्टूडेंट्स आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया शॉर्ट का नाइन्थ और यहाँ पे आपके वेरी शोर्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं इसके बाद हमें हमारे कौन से क्वेश्चन इस्टार्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं है। इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं भले ही इसमें वेरी शॉर्ट सिर्फ टू थे लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग काफ़ी सारे हैं शॉर्ट इसमें हम नाइन कर चुके हैं अब आगे इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे कि लॉन्ग कितने हैं और कैसे क्वेश्चन हैं तो चलिए अब हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं हेयर इज ऑल्सो द टेन लॉन्ग क्वेश्चन बट वी कट द क्वेश्चन नंबर थर्ड हम क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें नहीं करेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे इसमें फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन एंड टेन क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हमारा लिस्ट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वॉट डू दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन कि साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं तो चलो अब हम देख लेते हैं क्या रहेगा इसका आंसर सो स्टूडेंट्स दिस वन इज़ अवर लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन आई नो कंटेंट कम है लेकिन आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना ये जितना छोटा आंसर होगा आप एग्जाम्स में उतनी ही इजली इस इसको लर्न कर पाएंगे ओके okay? तो जो हमारे फैक्टर्स हैं साउंड के वो क्या हैं पिच लाउडनेस एंड क्वालिटी पिच किस पे डिपेंड करती है फ्रीकेंसी पर डिपेंड करती है लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है ओके okay? तो ये था आपका लॉन्ग फर्स्ट नाउ द लॉन्ग सेकेंड वुड भी अब लॉन्ग का सेकेंड क्या रहेगा चलिए ये देखते हैं पर उसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग सेकेंड का क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा लॉन्ग सेकेंड का क्वेश्चन क्या रहेगा तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्या आप अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से क्या समझते हैं और उसके यूजेस बताइए कि इसके यूजेज क्या होते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या होंगे और अल्ट्रासोनिक साउंड होती क्या है तो देखिए ये रहा हमारा लॉन्ग का सेकंड कौन सा क्वेश्चन है ये ये है हमारा लॉन्ग सेकंड ओके तो आंसर वुड बी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस और मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द सेम टाइप एज साउंड वेव बट इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज अब ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस रेंज इज ऑफन टेकन एज ट्वेंटी किलो साइकल्स पर सेकेंड विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ वेव लेंथ ऑफ अबाउट एट इंच इन सॉलिड टू पॉइंट फोर इंच इन ऑर्डनरी लिक्विड ओके फॉर सच vibrations आर एज अंडर अल्ट्रासनिक देखिए आगे इसके ये सब के आगे गए इसके यूज आ गए जो इसने यूज़ का है तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको ये सब लिखने की नीड नहीं है ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है जिसको मैंने रिमूव कर दिया है आप ये नहीं लिखोगे बाक़ी सब लिखोगे ठीक है इसके ये वाला पार्ट भी आप लिखोगे आप इसका ये वाला पार्ट भी लिखोगे और नीचे वाला पार्ट भी लिखोगे सिर्फ जो मैंने क्या कर दिया ये कट कर दिया है आपको ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है बाकी सारा आपको लिखना है ओके नाउ अब हम देखते हैं हमारा लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा तो चलिए लॉन्ग का थर्ड देख लेते हैं हम हमारा लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है क्या हमारे क्वेश्चन की डिमांड है ओ सॉरी थर्ड तो हमारा कट है थर्ड तो हमने करना ही नहीं है मैंने जस्ट अभी आपको बताया था सो तो कोई तो भी मिस्टेक नहीं करेगा थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कट है ओके तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कान ट्रेवल थ्रो वैक्यूम हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना है कि जो साउंड होती है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लॉन्ग का फोर्थ लॉन्ग का फोर्थ क्या रहेगा हमारा ये रहा ये है बेटा हमारी एक्टिविटी जो आप लिख लेंगे यहाँ से देख के ठीक है आप इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप यहाँ से इसको देख देख के लिख सकते हैं पिक्चर को आप सेव कर लेना वैसे मैं आपको ये पी डी एफ कम्प्लीटली सेंड करूँगी तो यहाँ पे आपका लॉन्ग का फोर्थ हो जाता है अब हम लॉन्ग का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा लॉन्ग का फिफ्थ है डिस्टिंग बिटवीन नॉइस एंड म्यूज़िकल साउंड म्यूजिकल साउंड और नोइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा देखो इसका आंसर हमारा ये रहेगा ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है लॉन्ग का थर्ड तो हमने कट है लॉन्ग का फोर्थ हम कर चुके हैं तो ये कौन सा है लॉन्ग का फिफ्थ म्यूजिकल साउंड्स इट इज़ सच टाइप ऑफ म्यूजिकल साउंड्स वो साउंड होती वो हैं जो हमें बहुत अच्छा फील कराती हैं रिलैक्स फील कराती हैं लेकिन नॉइस वो है जो हमें इरीटेशन कर देता है गुस्सा दिलाता है हमें हेडेक कर देता है ठीक है तो ये था आपका लॉन्ग का फिफ्थ नाव लॉन्ग सिक्स क्या है हमारा कि हमें कैसे पता लगेगा कि सॉलिड मीडियम से क्या होता है साउंड ट्रेवल करती है तो उसका आंसर क्या है पुट अ वॉच दिस इज लॉन्ग सिक्स पुट अ वॉच ऑन टेबल एंड हियर इट टिकिंग इट विल बी टिक नेक्स्ट कीप योर इयर्स ऑन द टेबल यू कैन हियर मोर क्लियर टिकिंग दिस प्रूव साउंड कैन ट्रेवल थ्रो सॉलिड्स ठीक है तो यहाँ पे आपका ये आता है लॉन्ग का सिक्स नाउ द लॉन्ग सेवेंथ लॉन्ग का सेवंथ क्वेश्चन हमें क्या कहता है क्या डिमांड करता है वॉट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन और वट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की नॉइज पॉल्यूशन क्या क्या कर सकता है तो चलिए इसका देख लेते हैं हम हमारा इसका आंसर क्या रहेगा दिस इज लॉन्ग सेवंथ ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इंक्लूड हाइपर टेंशन स्ट्रेस हियरिंग लॉस स्लीप डिस्टर्बेंस एट्सेट्रा नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट इशू In India, a large number of loud noise damage the environment and human and animal health and can prove to be gradually fatal. ओके okay, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी कट नहीं करेंगे आप पूरा आंसर्स को लिखेंगे ठीक है देखते हैं और क्वेश्चन की डिमांड इसमें साथ में क्या आती है हमारे लॉन्ग के सेवन में ही लॉन्ग का सेवन हाँ तो इसके हमारे ल्यूशन ठीक है तो सेवन तो हमारा यही था अब एट देखते हैं वॉट स्टेप्स यू यस अब हमारा एट देखिए बेटा एट क्या रहेगा हमारा सेवन और एट काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन हैं ऊपर तो हमने देखा कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अब है ये हमारा लॉन्ग का एट कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने टाइप फॉर्म में आपके आंसर्स लिखे हैं तो आप देख लेना कि आप कैसे इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन है लॉन्ग नाइन इसमें आपको ये जो टर्म्स गिवन है ये डिफाइन करनी है ठीक है तो हमारी जो टर्म्स है जो हमें डिफाइन करनी है वो क्या होंगी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दिस इज़ क्वेश्चन नंबर आई थिंक लॉन्ग नाइन्थ ओके ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा बेटा ये रहेगा आपका लॉन्ग का नाइन यस वेरी गुड ये कौन सा है लॉन्ग नाइन्थ क्वेश्चन है ठीक है जस्ट वेट मैं इस पर एक बार मैंशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे ये हो गया आपका लॉन्ग का नाइन्थ ओके नाउ द लास्ट बट नोट लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ह्यूमन ईयर कि ह्यूमन ईयर किस तरह से काम करता है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं हम आवर लॉन्ग टेंथ क्वेश्चन ये कौन सा रहेगा लॉन्ग टेंथ ठीक है कि ह्यूमन का ईयर कैसे काम करता है तो बेटा इसमें आप पहले तो ये सारी थ्योरी लिखोगे जो थ्योरी गिवन है ठीक है इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो पहले आप ये सारा मेंशन करोगे उसके बाद ये भी थोड़ा सा पोर्शन रहता है आप उसको लिखोगे एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम दिस वन ठीक है ये आपकी चॉइस है कि आप यही बनाना है आपको या फिर जो आपकी बुक में गिवन है आपको वो बनाना है आप कोई सा बना सकते हो बट बनाना सबको है ब्लैंक पेज पे बनाना है कलर जरूरी नहीं है बट लेबल होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए ठीक है तो ये यह यहाँ पे आपका चैप्टर ट्वेल्व कंप्लीट हो जाता है विद बुक वर्क विद गी वर्ड एंड विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स अब अगर किसी को कोई भी डाउट आता है वो मुझसे पूछ सकता है बट गलत कोई कुछ नहीं करेगा सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो चलिए हम हमारी आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ओके होप सो चैप्टर नंबर थर्टीन सो स्टूडेंट्स स्टिल यू स्टे होम स्टे सेफ ऑल बाई योअर पेरेंट्स थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे अड